दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ खिलाड़ियों की इंजरी जो है उनको इंजरी से रूबरू होना पड़ रहा है और कई बार तो इंजरी की वजह से उन्हें बाहर का रास्ता भी देखना पड़ रहा है टीम से। जी हाँ, अब लखनऊ सुपर जायंट्स और केकेआर ने एक एक बदलाव किया है, एक खिलाड़ी को शामिल किया है केकेआर ने अपनी टीम में और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी एक बदलाव किया है। मयंक यादव जो कि तेज गेंदबाज हैं उनकी जगह पर अर्पित गुलेरिया को टीम में शामिल किया गया है। अर्पित गुलेरिया जो है हिमाचल प्रदेश के मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और 2018 में उन्होंने डेब्यू किया था और 15 फर्स्ट क्लास मुकाबले और 12 लिस्ट ए के मुकाबले वो खेल चुके हैं। लिस्ट ए में 11 विकेट हैं उनके नाम और इसके अलावा अगर देखें तो एवरेज जो है उनका 40 विकेट उन्होंने जो फर्स्ट क्लास में लिए हैं उसमें एवरेज उनका 32 का है। तो अब जाहिर सी बात है कि इस युवा खिलाड़ी को यहाँ चुना गया है और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय 3 जीत के बाद दूसरे स्थान पर है पायदान में राजस्थान रॉयल्स के बाद और वहीं पंजाब किंग्स से उसे अभी खेलना है इकाना पर अपने होम ग्राउंड पर और 2 जीत के बाद जो है 2 हार झेलनी पड़ी थी पंजाब किंग्स को। तो अब लिविंगस्टोन फिट होंगे या नहीं होंगे इस पर उसकी पूरी तरह से नजरें बनी हुई है। वहीं केकेआर की बात करें तो केकेआर सुयश शर्मा जो कि लेग स्पिनर है जो किसी भी लेवल पर सीनियर स्तर पर नहीं खेले हैं उनको यहां खिलाया गया 2 मैचों में लेकिन पहले मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया और अब 20 वर्षीय एक और खिलाड़ी जो सीनियर वर्ग के में ज्यादा खेले नहीं है बिल्कुल युवा है आर्य देसाई। जी हाँ, गुजरात के आर्य देसाई को भी टीम में शामिल किया गया है। ये भी 20 लाख की ब्रैकेट के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विदर्भ के खिलाफ शानदार हाफ सेंचुरी बनाई थी और अब इस युवा खिलाड़ियों पर नजरें टिकी हुई हैं। 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं गुजरात की ओर से और 151 रन बनाए हैं इस खिलाड़ी ने। तो अब जाहिर सी बात है कि अर्पित गुलेरिया पर नजरें टिकी हुई हैं कि ये अगर इन्हें कहीं प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो ये अपनी मौजूदगी का कितना एहसास करा पाते हैं और वहीं नजरें सुयश शर्मा के बाद जो है दूसरे खिलाड़ी केकेआर के आर्य देसाई पर टिक गई हैं कि वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।